भारतीय सनातन धर्म में चार प्रमुख त्यौहार माने गए हैं। होली उन्हीं में से एक पर्व है। फाल्गुन मास में आने वाले इस पर्व का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। होली से पहले होलिका दहन की परंपरा मनाई जाती है। मध्य प्रदेश की खरगोन निवासी ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता ने हमें बताया है कि शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्यापी पूर्णिमा को होली मनाने का विधान है। शास्त्रों में होलिका दहन मध्यरात्रि को करने का विधान बताया गया है। प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पूजा करने का महत्व है। माना जाता है कि भद्रा काल में होलिका दहन करने से नगर की हानि होती है, इसलिए इस साल भद्रा समाप्ति के बाद यानी कि 11:20 के बाद होलिका दहन किया जा सके। ये शास्त्र में इसको रात्रि व्यापनी ही माना गया है और उसमें भी मध्य रात्रि जब हो जाए इसमें, पर भद्रा का एक विशेष है, मैं इसमें उल्लेख करना चाहूँगा। यदि भद्रा नाम का एक करण होता है, माने करण हमारे पंचांग में 5 चीज़ें हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसमें जो करण है वो तिथि का आधा भाग करण होता है। तो इसमें हमारे यहाँ 11 करण हैं, उन 11 करिए 27 नक्षत्र होते से 11 करण। इसमें एक भद्रा नाम का करण होता है, उस भद्रा करण में शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो यदि भद्रा आ जाती है तो उसको छोड़ करके मतलब अग्नि दी जाती है, जलाया जाता है। तो दो चीज़ें भद्रा में नहीं करते, एक रक्षाबंधन और दूसरा जो है वो होलिका दहन। यदि ये करें तो उससे नगर की हानि होती है, तो उस भद्रा में नहीं करें। ये भद्रा होने के कारण इस वर्ष रात्रि में लगभग 11:20 के बाद में होलिका दहन का सायंकाल पूजन हो और पूजन के पश्चात रात्रि में मध्य रात्रि में उसका दहन किया जाए। लोकल लैटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।